وراسي دي ما عادش كاف حسه حط ضاعت فلوس مش حلو हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ट्रैवल अकाउंट के ऊपर। और इस वक्त मेरे चैनल पे चल रही है काहिरा मिस्र से जो मेरी ट्रैवल की सीरीज़ है वो, और डिफरेंट वीडियोस जो काहिरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी हम इस वक्त काहिरो के एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर हैं। इस पूरे रीजन को हिस्टोरिकल या इस्लामिक क्वार्टर ऑफ काहिरो कहा जाता है। यहाँ काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म की अट्रैक्शंस हैं। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक है स्ट्रीट जिसको अलमाइस स्ट्रीट कहते हैं। ये एक टूरिस्टिक स्ट्रीट है या एक बाज़ार आप वो कह सकते हैं। और उससे ही मुंसलिक दो तीन चीज़ जगह और हैं जैसे खान अल खलीली वगैरह। इस एरिए को विज़िट करते हैं, फिर ये मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ व्लॉग की सूरत में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अभी करते हैं हम इस जगह को एक्सप्लोर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जी, इस बाज़ार या स्ट्रीट का नाम है अल मोइस। और आप ये देख सकते हैं कि सारी शॉप जो हैं वो टूरिज़म से ही रिलेटेड हैं। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ आते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, काहिरो में जितने भी टूरिस्ट आते हैं। हाँ जी, ये गलियाँ आप देखें तो बिल्कुल पता चल रहा है कि आप किसी ओल्ड टाउन में फिर रहे हैं इस वक्त। जैसे अंदरून लाहौर की गलियाँ हैं बिल्कुल वैसा ही समय है यहाँ पे। डिफरेंट शीशा कैफेज़ हैं, लोग बैठे हुए हैं शीशा इंजॉय कर रहे हैं। हेलो, सलाम, हाउ आर यू? पाकिस्तान? पाकिस्तान, यस, थैंक यू। यू आर एंजॉइंग शीशा? यस, गुड। नो, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रन। हाँ जी, मुझे भी कह रहे हैं कि शीशा आके हमारे साथ ज्वाइन करो। मैंने कहा जी नहीं, थैंक यू, शुक्रिया। ये मेन जो एरिया या स्ट्रीट है अल मोइस, उसके साथ दाएं बाएं इस तरह की काफ़ी सारी जगह हैं। ये देखें आप, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और ऊपर लिखा भी हुआ है। ये देखें, अच्छी जगह बैठने के लिए बनाई हुई इन्होंने। और इसी स्ट्रीट में है जी जामियातुल कमर, एक ये मस्जिद है यहाँ पे, मस्जिद अल कमर। देखने में भी हिस्टोरिकल लग रही है पुरानी। ये बड़ा मसला है, हर बंदा हॉर्न बजाता है, गाड़ी वाला, बाइक वाला। हाँ जी, चलते चलते हम लोग आ गए। ये इस तरह की एक बड़ी वीड किस्म की गली है, ऊपर से सारा ये बंद है। कोनों में शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। और ये आप अगर देखें तो ये गेट है, ये दरवाज़ा है, ये यहाँ से बंद होता होगा। जी, ये एक हम गिफ्ट शॉप के ऊपर आ गए। और यहाँ आप देखें तो बहुत सारी ऑप्शन है सुवेनियर्स की, हर तरह के, हर डिफरेंट किस्म के मेटल के अंदर। तो ये पिक्चर्स वाले तो हम शायद ना ही ले पाए, वैसे तो अट्रैक्ट बहुत कर रहे हैं। हम पैरामिड की ले लेते हैं कुछ सुवेनियर रखने के लिए।
How much this one? Yeah, we sell it for 200 for 150 for you. Egyptian bar. Really? Sure. It's last price. Okay. So what else you have? Different quality here also. Okay. Will you give this in 150 to me? Of course. Thank you very much. You're welcome, brother. That's your shop. Shukran luck. तो अभी हमने वाइट ले लिया इनसे, मुझे ब्लैक भी अच्छे लगने लग गए। 150 इजिप्शियन पाउंड में दे रहे हैं ये। ये एक शॉप है, यहाँ भी देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? हाउ आर यू सर? हैप्पी टू थैंक यू, डू आई हेल्प यू? या एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर द प्लेट्स, प्लेट और सुवेनियर समथिंग लाइक दैट। You have nice collection, by the way. Thank you, sir. Have a nice day. Yes. Different prices. So this is really nice. What's the price? This one, the bigger one. This one. That one is going to be 1,600 pounds. Will make you good price. Okay, but this price is too high. The free hand. This is handmade. Handmade. And very interestingly, you have these things also. Yes. Belly dance. There was the belly dance. Belly dance. The labias. Right. Okay, what is the last price for this one? I'll buy it. Make you full price. What? If you 800 pounds. 800? Yes. Okay. For you, especially for Pakistan people. Right. Thank you very much. This one is started from 300 up to 1,500. So, ये मैंने इनसे plate buy की है. I forgot your name. What? Mahmood. My name is Mahmood. So, ये प्लेट इन्होंने मुझे एग्जैक्टली 50% डिस्काउंट पे दिया है। मुझे नहीं पता कि ये महंगी है या सस्ती है। 800 इजिप्शियन पाउंड के अंदर ये मैंने प्लेट लिया जो वॉल के ऊपर हैंग करते हैं। तो ये जो बाजार है खान अल खलीली, ओके, तो उसके अंदर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट रेट्स हैं। लोग बड़े बड़े रेट्स लगाते हैं, मुझे एग्जैक्टली रेट्स का तो नहीं पता। तो बहरहाल ये इनकी डीलिंग मुझे पसंद आई क्योंकि इन्होंने डिस्काउंट मुझे अच्छा दिया। जी व्यूअर्स, ये था यहाँ का क्रेज़ी बाज़ार, क्रेज़ी मार्केट। और जैसे अमूमन होता है टूरिस्ट प्लेसेस पे, लोग आपको लूटने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि जी आ गए टूरिस्ट, आपको काफ़ी बार्गेनिंग करनी पड़ती है यहाँ, काफ़ी मुश्किल है। तो खैर, कुछ हमने भी की बार्गेनिंग, कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग भी की। तो अभी हो गया हमारा यहाँ से जाने का टाइम। इस व्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये जो व्लॉग है ये भी पसंद आया होगा, जो यहाँ हमने पूरा हिस्टोरिकल एरिया देखा। और जैसे आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत हसल एंड बसल है, बीच में कैफ़ेज़ भी हैं, बाज़ार है, लोग टूरिस्ट पॉइंट भी है, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, मस्जिद हैं, पुराने ओल्ड मोहल्ले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग और ये एरिया पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाई।